अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग निकले हैं कश्मीर टूर पे ना, कश्मीर जा रहे हैं आज तो। मुजफ्फ़राबाद के रास्ते में अभी हैं और उससे पहले एक डैम पड़ता है पतरीन के नाम से। ये कश्मीर का डैम है, पतरीन का डैम नाम है इसका। ये देखें, शायद नज़र आ रहा हो आपको, रास्ता नहीं आप ये डैम है सामने। इस डैम का नाम है पतरीन। यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टे किया, थोड़ा सा शरबत पी रहे हैं। नूर भाई भाई ज़बरदस्त। और ये अमान भाई हमारे, अब मेरा शरबत दे दो भाई, मेरा शरबत करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। चलो खैर, पतरीन डैम है नीचे और हम लोग ऊपर बैठ के व्यू कर रहे हैं। ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका यहाँ से। हाँ जावेद भाई, कैसा व्यू है? हाँ जी माशाल्लाह, व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। ये डैम्प है, ये डैम्प पता नहीं किस गवर्नमेंट ने बनाया, ये तो नहीं पता, लेकिन अच्छा बनाया है और अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। ये हमारे नूर भाई हैं, ये हमें लेकर के आए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर, और ताज़ा हवा चल रही है डैम के साइड से, तो पुरसकून माहौल है। नीचे डैम दिखाते हैं आपको, ये वो डैम रखा है। आज हम लोग मुजफ्फ़राबाद में स्टे किया, हमने होटल लिया है सामने के, और ये बैक एंड पे देख रहे हैं हम, ये दरिया नीलम है। बारिश के पानी, बारिश होने की वजह से पानी गंदला है काफ़ी, वरना इसका पानी बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन कलर का होता है। ये देखिए दरिया नीलम, नीलम वैली मुजफ्फराबाद। पानी गंदा है बारिश की वजह से। प्रेशर बहुत है पानी का, बहुत प्रेशर है पानी। सामने होटल बने हुए, खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। शायद अगर रात अंधेरा हो जाएगा ना, उसके बाद जो रोशनी पड़ेगी उससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी। कल हम लोग पहुँचे हैं मुजफ्फ़राबाद और यहाँ पे होटल लिया है, और दरिया नीलम के बिल्कुल सामने होटल है। बड़ा ज़बरदस्त होटल बनाए हैं और कम पैसों में, कम मतलब लो प्राइस है, और फैसिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। और ये भाई हमारे, आपका नाम क्या है? जावेद इकबाल। ये जावेद भाई हमारे बड़े ज़बरदस्त इंसान है यार, बहुत मेहमान नवाज हैं, उन्होंने हमें होटल दिया। ये इनके कमरे, मैं आपको होटल का भी बातचीत कराता हूँ। ये इनके कमरे, ये कमरे चेक करें, ये डबल बेड है, यहाँ मैट्रेस लग जाएगा। ये वॉशरूम है, डैम गिरा दे,
ये वॉशरूम है इनका, साफ सुथरा है, अच्छा खासा अच्छा है। और दूसरा सबसे बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे के एसी रूम भी इनके पास एसी भी लगे हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे लाइट होती है, लाइट अगर जाती भी है तो इनके पास यूपीएस लगा हुआ है, जनरेटर यूपीएस लगा हुआ है। लाइट का पता नहीं चलता कि लाइट गई नहीं गई, 24 घंटे आपके पास लाइट अवेलेबल है। नेट भी देते हैं, नेट की फैसिलिटीज इनके पास है। तो जब भी आपको मुजफ्फराबाद आएँ तो उनके होटल में स्टे करें, बहुत ज़रूरत है, लो प्राइस में और अच्छी सर्विस है। इसका व्यू मैं आपको भी बाहर से भी दिखा देता हूँ। क्या कर ये सामने भैया नीलम बह रहा है और उसके जस्ट अपोजिट में ये होटल है अनूर होटल के नाम से। ऊपर